आखिर ये मुंबई इंडियंस को हुआ क्या है, हर जगह से हार ही हार है। नहीं दोस्तों, आईपीएल को शुरू हुआ 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते में 14 मैच खेल चुके हैं और आईपीएल की जितनी सारी टीमें हैं सब अपनी पहले पहले मैच जीत जीत के बम बम हो रही है और एक हमारी मुंबई इंडियंस है जिसका अभी तक खाता ही नहीं खुला है, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है एकदम नीचे से। क्या आपको वही मुंबई इंडियंस ये लगती है जिसने आईपीएल की 5 ट्रॉफी जीत रखी है? नहीं भाई साहब, स्टार्टिंग में 3 मैच इन्होंने खेल लिए हैं और तीनों में से कोई मैच हार नहीं आया है, तीनों को तीनों मैच दूसरे को थमा आए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? पहला मैच इन्होंने गुजरात से 6 रन से हार गया, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको 31 रन से हरा दिया और अभी तो ये देखे इनको राजस्थान रॉयल्स भी हरा दी, मतलब कैसे? नहीं भाई साहब, इन्होंने तो इस बार आईपीएल में आरसीबी वाला एकदम से रिकॉर्ड पकड़ के रखा है, सबसे ज्यादा रन पिटाने का 277 रन और सबसे लोएस्ट स्कोर भी इनका ही है इस आईपीएल में 125 रन, यानी कि आरसीबी के राह पे आजकल चल रही है मुंबई इंडियंस। नहीं दोस्तों, बता दें अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो पूरी टीम को उसका श्रेय जाता है कि भाई मुंबई इंडियंस जीती है, लेकिन मुंबई इंडियंस में आजकल उल्टा हो रहा है, अगर टीम हारती है तो सारा ब्लेम कैप्टन हार्दिक पांड्या पे जाता है। ये हार्दिक पांड्या भी भाई साहब आजकल छप्पे के नाम से फेमस हो गए हैं और जब भी स्टेडियम में उतरते हैं वैसे ही ऑडियंस इन पे एकदम छप्पा मार देती है कि भाई छपरी छप। टीम की परफॉर्मेंस तो छोड़िए, इनका खुद का परफॉर्मेंस देख लीजिए, पहले मैच में 11 रन, दूसरे मैच में 24 रन और तीसरे मैच में 34 रन, टोटल कैलकुलेशन करिए तो 69 रन इन्होंने 3 मैचों में मारा है। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एक कैप्टन इस तरीके से खेल रहा है तो टीम कैसे खेलेगी। ये लोग अपने बचाव में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि मुंबई इंडियंस एक स्लो टीम है, स्लो स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल बढ़ता है वैसे वैसे मुंबई इंडियंस भी अपने परफॉर्मेंस में सुधार करती जाती है और एक टाइम पे वो अपना टाइटल जीत जाती है। लेकिन बता दें कि वहीं पे ये रोहित शर्मा वाली टीम नहीं है, ये छपरी हार्दिक पांड्या वाली टीम है और इस टीम को कभी भी कमबैक करना नहीं आएगा। रोहित शर्मा की गाड़ी स्लो चलती थी लेकिन दूर तक जाती थी और ये भाई साहब तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में ठोक दे रहे हैं कि यहाँ से ये गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, ले धमाक। आखिर दोस्तों, आप ही सब बताइए कि मुंबई इंडियंस का खाता कब खुलेगा? मुंबई इंडियंस को इस आईपीएल में 2 पॉइंट्स मिलेंगे, हमें तो उम्मीद अभी नहीं लग रही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ने पिछले मैच में चेन्नई को हराया था और अगला मैच मुंबई इंडियंस का दिल्ली के साथ ही है 7 अप्रैल को, और ये भी उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि दिल्ली के सामने भी मुंबई जीत पाएगी और इस बार का चौकस टीम मुंबई इंडियंस है। इनके पॉइंट्स टेबल तो देखिए, आप नीचे से शुरू करिए, नीचे से ये टॉप पे आते हैं। ये है 5 टाइम की टाइटल चैंपियन मुंबई इंडियंस। आप क्या कहना चाहते हैं एक कमेंट जरूर करिए।